नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दें कि गदर एक एक्शन एक एक ड्रामा फिल्म है जो की दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग व जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी दे अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की काफी भी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर द कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीशा पटेल और वही सेम वो चरण सिंह के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे कि गदर एक एक्शन एक एक ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमीशा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला की दो में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू द कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की है ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीशा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ 11 अप्रैल को होने का क्योंकि अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूज अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्यूँकी गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो की दो भागो में बनने वाली है इसमें भाग व जो की गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों 2001 में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला की दो में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की है ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है कि इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देओल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीशा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यू अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्यूँकी गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक एक्शन एक एक ड्रामा फिल्म है जो की दो भागो में बनने वाली है इसमें भाग जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी दे अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों 2001 में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की है ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस, अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दें कि गदर एक, एक, एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग भागवत जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमीशा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गयी लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला की दो में गदर मूवी होने वाली है इसका नाम है गदर टू कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीशा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ 11 अप्रैल होने का क्योंकि अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक था कंटिन्यू अभी तक बॉली की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देश भक्त कर रहा है क्यूँकी गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो की दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी दे अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो कि है 11 अगस्त 2023 को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है कि इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देओल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक एक्शन एक एक ड्रामा फिल्म है जो की दो भागो में बनने वाली है इसमें भाग भागवत जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी दे अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों 2001 में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक बास्टर मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की है ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमित पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दें कि गदर एक एक्शन एक एक ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग भागवत जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी दे अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गयी लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला की दो इस में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीशा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ 11 अप्रैल होने का क्योंकि अंदाजा किया जा रहा है है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दें कि गदर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो की दो भागो में बनने वाली है इसमें भाग भागवत जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमीशा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों 2001 में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम ऐसी पता चला की दो में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ 11 अप्रैल को होने का क्योंकि अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देश भक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक एक्शन एक ड्रामा फिल्म है जो की दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी देवल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो हजार में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की है ग्यारह अगस्त दो इस को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्यूँकी गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे कि गदर एक एक्शन एक एक ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग भागवत जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीशा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ 11 अप्रैल होने का क्योंकि अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले है गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्यूँकी गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो की दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग भागवत जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों 2001 में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला की दो में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की है ग्यारह अगस्त दो 2023 को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है कि इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देओल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक की जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दें कि गदर एक एक्शन एक एक ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते है दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो कि है 11 अगस्त 2023 को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देगा को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीशा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देश कर रहा है क्यूँकी गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक एक्शन एक एक ड्रामा फिल्म है जो की दो भागो में बनने वाली है इसमें भाग भागवत जो की गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों 2001 में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीशा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी है तो प्लीज वीडियो को लाइक धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक भक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो के देखने को मिलेगा ही साथ ही यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग भागवत जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला की दो में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो कि है 11 अगस्त 2023 को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है कि इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देओल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो की दो भागो में बनने वाली है इसमें भाग जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी दे अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों 2001 में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला की दो में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की है ग्यारह अगस्त दो इस को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है कि इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देओल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे कि गदर एक एक्शन ड्रामा एक फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी दे अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीशा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता की गदर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो की दो भागो में बनने वाली है इसमें भाग वो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो हजार एक में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी दे अमीशा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों 2001 में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो कि है 11 अगस्त 2023 को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है कि इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देओल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीशा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू तो के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देश भक्त कर रहा है क्यूँकी गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो की दो भागो में बनने वाली है इसमें भागवत जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमित पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों 2001 में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला की दो में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की है ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है कि इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीशा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक एक्शन एक एक ड्रामा फिल्म है जो की दो भागो में बनने वाली है इसमें भाग जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी दे अमीशा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों 2001 में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की है ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देओल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीशा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है है दोस्तों आप सभी को बता दें की गदर एक एक्शन एक ड्रामा फिल्म है जो की दो भागो में बनने वाली है इसमें भाग भागवत जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी दे अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों 2001 में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू द कथा कंटिन्यूज और दोस्तों तो इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो कि है 11 अगस्त 2023 को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है कि इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देओल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीशा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देश भक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दें कि गदर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग व जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमें को सनि देवल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो कि है 11 अगस्त 2023 को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देओल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीशा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे कि गदर एक एक्शन एक एक ड्रामा फिल्म है जो की दो भागो में बनने वाली है इसमें भाग भागवत जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी दे अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा और दोस्तों रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीशा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर के लिए एक्साइटेड तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी करती है दोस्तों आप सभी को बता दे कि गदर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग भागवत जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला की दो में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू द कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी दे मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीशा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ 11 अप्रैल को होने का क्योंकि अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देश भक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दें कि गदर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों 2001 दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला की दो में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की है ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है कि इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देओल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीशा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दें कि गदर एक एक्शन एक ड्रामा फिल्म है जो की दो भागो में बनने वाली है इसमें भाग भागवत जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी दे अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की काफी बड़ी स्टर मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर द कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो ग्यारह अगस्त दो हजार तेईस को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे कि गदर एक एक्शन एक एक ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग भागवत जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला की दो में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू द कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की है ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीशा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ 11 अप्रैल को होने का क्योंकि अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूज अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्यूँकी गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो की दो भागो में बनने वाली है इसमें भाग जो की गदर एक प्रेम कथा है। वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कश शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों 2001 में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गयी लेकिन हाल ही में एकदम ऐसी पता चला की दो में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और बात यह है कि इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देओल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक एक्शन एक एक ड्रामा फिल्म है जो की दो भागो में बनने वाली है इसमें भाग व जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी दे अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर द कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की है ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस, अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे कि गदर एक एक्शन एक एक ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमीशा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला की दो में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू द कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीशा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ 11 अप्रैल होने का क्योंकि अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यू अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले है गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्यूँकी गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग वो की गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों 2001 में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी बास्टर मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला की दो में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की है ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट क्या है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है कि इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देओल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीशा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक एक्शन एक एक ड्रामा फिल्म है जो की दो भागो में बनने वाली है इसमें भाग जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी दे अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों 2001 में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक बास्टर मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की है ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर गु के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दें कि गदर एक एक्शन एक एक ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी दे अमीशा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला की दो में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीशा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ 11 अप्रैल होने का क्योंकि अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दें कि गदर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है भागवत जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों 2001 में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला की दो में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट क्या है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है कि इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देओल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देश भक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक एक्शन एक एक ड्रामा फिल्म है जो की दो भागो में बनने वाली है इसमें भाग भागवत जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी दे अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो एक में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर 2 पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर 2 द कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की है ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भरके देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दें की गदर एक एक्शन एक एक ड्रामा फिल्म है जो की दो भागो में बनने वाली है इसमें भाग भागवत जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी दे अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों 2001 में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की ग्यारह अगस्त दो किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीशा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ 11 अप्रैल को होने का क्योंकि अंदर किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले है गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्यूँकी गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि दो भाग में बनने वाली है इसमें भाग जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी दे अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू द कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो कि है 11 अगस्त 2023 को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ 11 अप्रैल को होने का क्योंकि अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक एक्शन एक ड्रामा फिल्म है जो की दो भागो में बनने वाली है इसमें भाग जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी दे अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलता है दोस्तों 2001 दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है है क्यूँकी गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक एक्शन एक एक ड्रामा फिल्म है जो की दो भागो में बनने वाली है इसमें भाग भागवत जो की गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों 2001 में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एक एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ 11 अप्रैल होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर गु के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देश भक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग भागवत जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला की दो में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू द कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो कि है ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी दे मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीशा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ 11 अप्रैल को होने का क्योंकि अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो की दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग व जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी दे अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों 2001 दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर द कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की है ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक एक्शन ड्रामा एक एक फिल्म है जो की दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग भागवत जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी दे अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों 2001 में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइट हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग भागवत जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमीशा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला की दो में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई गई है जो कि है 11 अगस्त 2023 को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है कि इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देओल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमिषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देश भक्त कर रहा है क्यूँकी गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो की दो भागो में बनने वाली है इसमें भाग जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमीषा पटेल उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो कि है 11 अगस्त 2023 को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे कि गदर एक एक्शन ड्रामा एक एक फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों सभी को बता दें की गदर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो की दो भागो में बनने वाली है इसमें भाग जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी दे अमीशा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों 2001 में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू दथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो कि है 11 अगस्त 2023 को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है कि इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देओल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यू अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देश भक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दें कि गदर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग भागवत जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देवल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो कि है 11 अगस्त 2023 को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देओल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे कि गदर एक एक्शन एक एक ड्रामा फिल्म है जो की दो भागो में बनने वाली है इसमें भाग जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी दे अमीशा पटेल और उत्कश शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर द कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो ग्यारह अगस्त दो हजार तेईस को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यू अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी बार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे कि गदर एक एक्शन एक एक ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमिषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला की दो में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यू और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो कि है 11 अगस्त 2023 को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है कि इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देओल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीशा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म हो होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर गु के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देश भक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दें कि गदर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग व जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गयी थी जिसमे आपको सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों 2001 में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला की दो में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है कि इस मूवी के भी लीड रोल में आपको सनी देओल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीशा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दें कि गदर एक एक्शन एक एक ड्रामा फिल्म है जो की दो भागो में बनने वाली है इसमें भाग भागवत जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी दे अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर द कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे कि गदर एक एक्शन एक एक ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग भागवत जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला की दो में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ 11 अप्रैल होने का क्योंकि अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूज अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दें कि गदर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग व जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो दो हजार एक में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों 2001 में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला की दो में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की है ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट क्या है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात ये कि इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देओल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक एक्शन एक एक ड्रामा फिल्म है जो की दो भागो में बनने वाली है इसमें भाग भागवत जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी दे अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीशा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे कि गदर एक एक्शन एक एक ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग भागवत जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला की दो में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू द कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीशा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ 11 अप्रैल को होने का क्योंकि अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूज अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देश भक्त कर रहा है क्यूँकी गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो की दो भागो में बनने वाली है इसमें भाग जो की गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों 2001 में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला की दो में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू द कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की है ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है कि इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देओल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यू अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देश भक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक एक्शन एक ड्रामा फिल्म है जो की दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग व जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी दे अमीशा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों 2001 में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीशा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे कि गदर एक एक्शन एक एक ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी दे अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गयी लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है, जो की है 11 दो अनिल प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीशा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ 11 अप्रैल होने का क्योंकि अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यू अभी तक बॉली की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर गु के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दें कि गदर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो की दो भागो में बनने वाली है इसमें जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों 2001 में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला की दो में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू द कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट क्या है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है कि इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देओल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीशा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देश भक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक एक्शन एक एक ड्रामा फिल्म है जो की दो भागो में बनने वाली है इसमें भाग जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी देवल अमीशा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों 2001 में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर द कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की है ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको मीशा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दें कि गदर एक एक्शन एक एक ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमीशा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला की दो तेईस में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ 11 अप्रैल होने का क्योंकि अंदाजा किया जाए रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर गु के लिए एक्साइटेड हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले है गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्यूँकी गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भागवत जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी दे अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो कि है 11 अगस्त 2023 को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है कि इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देओल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा के वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक एक्शन एक एक ड्रामा फिल्म है जो की दो भागो में बनने वाली है इसमें भाग भागवत जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गयी थी जिसमे आपको सनी देवल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों 2001 में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की ग्यारह अगस्त दो इस को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्यूँकी की गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे कि गदर एक एक्शन एक एक ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी दे अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते है दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गयी लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ 11 अप्रैल होने का क्योंकि अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देश भक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दें कि गदर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग भागवत जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों 2001 में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला की दो में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू द कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की ग्यारह अगस्त 2023 को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है कि इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देओल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दें कि गदर एक एक्शन एक एक ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर द कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो कि है 11 अगस्त 2023 को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देश वक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक एक्शन एक एक ड्रामा फिल्म है जो की दो भागो में बनने वाली है इसमें भाग भागवत जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी दे अमीशा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों 2001 में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ अप्रैल होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग भागवत जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल दे पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में में देखने को मिलते हैं दोस्तों रिलीज की की गई गदर मूवी मूवी उस समय की एक काफी बड़ी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला की दो में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की है 11 अगस्त 2023 को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है कि इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देओल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देश भक्त कर रहा है क्यूँकी गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो की दो भागो में बनने वाली है इसमें भाग व जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों 2001 में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की है ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे हमारे प्यारे, प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीशा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे कि गदर एक एक्शन एक एक ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग भागवत जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी दे अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीशा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक, एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो की दो भागो में बनने वाली है इसमें भाग भागवत जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी दे अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों 2001 में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो कि है 11 अगस्त 2023 को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है कि इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देओल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीशा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यू अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी ग गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देश भक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो की दो भागो में बनने वाली है इसमें भाग व्यो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी देवल पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो कि है 11 अगस्त 2023 को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीशा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे कि गदर एक एक्शन एक एक ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की है ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेगा तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यू अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार कर है दोस्तों आप सभी को बता दें कि गदर एक एक्शन एक ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला की दो में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो कि है 11 अगस्त 2023 को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है कि इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देओल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देश भक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दें कि गदर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग भागवत जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमे में आपको सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो कि है 11 अगस्त 2023 को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देओल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक एक्शन एक एक ड्रामा फिल्म है जो की दो भागो में बनने वाली है इसमें भाग जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी दे अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर द कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी दे मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीशा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको का शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यू अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे कि गदर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग भागवत जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला की दो में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू टिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीशा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ 11 अप्रैल को होने का क्योंकि अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूज अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गु के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दें कि गदर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो की दो भागो में बनने वाली है इसमें भाग जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला की दो में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो कि है 11 अगस्त 2023 को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देओल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दें कि गदर एक एक्शन एक एक ड्रामा फिल्म है जो की दो भागो में बनने वाली है इसमें भाग भागवत जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी दे अमीशा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर द कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीशा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी की गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यू अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही। साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे कि गदर एक एक्शन एक ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग भागवत जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला की दो में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू द कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ 11 अप्रैल को होने का क्योंकि अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूज अभी तक की बहुत बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देश भक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दें कि गदर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग व जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों 2001 में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला की दो में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है कि इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देओल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक एक्शन एक एक ड्रामा फिल्म है जो की दो भागो में बनने वाली है इसमें भाग व जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी देवल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों 2001 में रिलीज की गई गदर मूवी उस की काफी बड़ी ब्लॉक बास्टर मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर द कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीशा पटेल और वही से और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भरके देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे कि गदर एक एक्शन एक ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग भागवत जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी दे अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गयी लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला की दो में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीशा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ 11 अप्रैल को होने का क्योंकि अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा अभी तक बॉली की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देश भक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो की दो भागो में बनने वाली है इसमें भाग वो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी दे अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो हजार में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की है ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है कि इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देओल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देश भक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक एक्शन एक एक ड्रामा फिल्म है जो की दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी दे अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की एक गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है है गदर द कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीशा पट्टी और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है इसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दें कि गदर एक एक्शन ड्रामा एक एक फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला की दो में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीशा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ 11 अप्रैल को होने का क्योंकि अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले है गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्यूँकी गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भागवत जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी दे अमीशा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो कि है 11 अगस्त 2023 को इस फिल्म को डायरेक्ट क्या है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ 11 अप्रैल को होने का क्योंकि अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देश भक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक एक्शन ड्रामा एक एक फिल्म है जो की दो भागो में बनने वाली है इसमें भाग जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी दे अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो 2001 में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की है ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यू अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दें कि गदर एक एक्शन एक एक ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी दे अमीशा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गयी लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीशा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ 11 अप्रैल को होने का क्योंकि अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देश भक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दें कि गदर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी दे अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो कि है 11 अगस्त दो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है कि इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देओल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देश भक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक एक्शन एक एक ड्रामा फिल्म है जो की दो भागो में बनने वाली है इसमें भाग भागवत जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी दे अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को हैं दोस्तों 2001 में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की है ग्यारह अगस्त दो इस को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिले साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यू अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे कि गदर एक एक्शन एक एक ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग भागवत जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ 11 अप्रैल होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दें कि गदर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग भागवत जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला की दो में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो कि है अगस्त 2023 को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है कि इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देओल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्यूँकी गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो की दो भागो में बनने वाली है इसमें भाग जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुक्त मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो कि है 11 अगस्त 2023 को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे कि गदर एक एक्शन ड्रामा एक एक फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग भागवत जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी दे अमीशा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्शन ग्यारह अप्रैल होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दें कि गदर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग भागवत जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला की दो में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू द कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर गई है जो कि है 11 अगस्त 2023 को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है कि इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देओल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देश भक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो की दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग व जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी दे अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों 2001 में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला की दो में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की है ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है कि इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देओल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे कि गदर एक एक्शन एक एक ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग भागवत जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू तो पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर द कथा कंटिन्यूज और दोस्तों रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीशा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो तो मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों तो तो अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है आप सभी को बता दें कि गदर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग भागवत जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला की दो में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू द कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसके रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो कि है 11 अगस्त 2023 को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है कि इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देओल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देश भक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो की दो भागो में बनने वाली है इसमें भाग व्यो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमे आपको देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों 2001 में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला की दो में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की है ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देओल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे कि गदर एक एक्शन एक एक ड्रामा फिल्म है जो की दो भागो में बनने वाली है इसमें भाग व जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी दे अमीशा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की है ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीशा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस, अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे कि गदर एक एक्शन एक एक ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला की दो में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यू और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की है ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ 11 अप्रैल को होने का क्योंकि अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दें कि गदर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग भागवत जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला की दो में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो कि है 11 अगस्त 2023 को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है कि इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देओल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीशा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दें कि गदर एक एक्शन एक एक ड्रामा फिल्म है जो की दो भागो में बनने वाली है इसमें भाग जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी दे अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमिषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यू अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे कि गदर एक एक्शन एक एक ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग भागवत जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला की दो में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू द कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की है ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीशा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ 11 अप्रैल होने का क्योंकि अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देश भक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दें कि गदर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग व जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो दो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों 2001 में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला की दो में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है कि इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देओल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक एक्शन एक एक ड्रामा फिल्म है जो की दो भागो में बनने वाली है इसमें भाग भागवत जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी देवल अमीशा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों 2001 में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे कि गदर एक एक्शन एक एक ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग भागवत जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी दे अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू द कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ 11 अप्रैल को होने का क्योंकि अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूज तक बॉली की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देश भक्त कर रहा है क्यूँकी गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो की दो भागो में बनने वाली है इसमें भाग व जो की गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों 2001 में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला की दो में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की है ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है कि इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देओल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देश भक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता कि गदर एक एक्शन एक एक ड्रामा फिल्म है जो की दो भागो में बनने वाली है इसमें भाग जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी देवल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों 2001 में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीशा पटेल और और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आप एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दें कि गदर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग भागवत जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गयी लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला की दो में गदर भी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर गु द कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है कि इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी दे मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीशा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ 11 अप्रैल को होने का क्योंकि अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यू अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले है गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्यूँकी गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भागवत जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमीशा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों 2001 में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला की दो में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू द कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की है ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है कि इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देओल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते है मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देश भक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक एक्शन एक एक ड्रामा फिल्म है जो की दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग व जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी दे अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों 2001 में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक बास्टर मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर द कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे कि गदर एक एक्शन एक एक ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी दे अमीशा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते है दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गयी लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला की दो तेईस में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो कि है 11 अगस्त 2023 को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीशा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ 11 अप्रैल को होने का क्योंकि अंदाजा क्या जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले है गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्यूँकी गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में वाली है इसमें भागवत जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी देवल अमीशा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू द कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो कि है 11 अगस्त 2023 को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है कि इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देओल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीशा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देश भक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक एक्शन एक एक ड्रामा फिल्म है जो की दो भागो में बनने वाली है इसमें भाग जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी दे अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों 2001 दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक बास्टर मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की है ग्यारह अगस्त दो इस को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे कि गदर एक एक्शन एक एक ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमीशा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की है ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ 11 अप्रैल होने क्योंकि अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक बॉली की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले है गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्यूँकी गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमीशा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला की दो में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू द कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो कि है 11 अगस्त दो हजार को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है कि इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देओल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देश भक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक एक्शन एक एक ड्रामा फिल्म है जो की दो भागो में बनने वाली है इसमें भाग भागवत जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो एक में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो कि है 11 अगस्त 2023 को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दो तो दोस्तों मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड अप्रैल को होने का क्योंकि अंदाजा किया जा रहा है गदर गु एक कथा कंटिन्यू अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे कि गदर एक एक्शन एक ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग भागवत जो की गदर एक प्रेम कथा है वो दो में रिलीज की गई थी जिसमे आपको सनी दे अमीशा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला कि 2023 में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो की है ग्यारह अगस्त दो को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है की इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देवल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यूँकी अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर एक देशभक्त कर रहा है क्योंकि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन तो भर के देखने को मिलेगा ही साथ ही में यह हमारे इमोशन पे भी वार करती है दोस्तों आप सभी को बता दे की गदर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि दो भागों में बनने वाली है इसमें भाग भागवत जो कि गदर एक प्रेम कथा है वो 2001 में रिलीज की गई थी जिसमें आपको सनी देओल अमीशा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों दो में रिलीज की गई गदर मूवी उस समय की एक काफी बड़ी ब्लॉक मूवी हुई थी लेकिन उसके बाद में गदर टू पर कभी बात नहीं करी गई लेकिन हाल ही में एकदम से पता चला की दो में गदर मूवी रिलीज होने वाली है इसका नाम है गदर टू कथा कंटिन्यूज और दोस्तों इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है जो कि है 11 अगस्त 2023 को इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा जी ने और एक और खास बात यह है कि इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में आपको सनी देओल मतलब हमारे प्यारे तारा सिंह ही देखने को मिलेंगे साथ ही में को एक्टर्स आपको अमीषा पटेल और वही सेम और चरण सिंह जी के गेटअप में आपको उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्यारह अप्रैल को होने का क्यू अंदाजा किया जा रहा है गदर टू एक कथा कंटिन्यूस अभी तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है तो दोस्तों अगर आप भी गदर टू के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद